मैम फ्रॉम ब्रह्म विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल. स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 3 रीड 1 मैनेज योर स्किल्स. वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी पार्ट 2. ओके सो फर्स्ट वी विल सी ग्रोसरी. पहले हम ग्रोसरी देख लेते हैं. पहला वर्ड है फ्रीक्वेंटली, लगातार, यानी एक सलग हुए कार्य करते रहना. ग्रास ग्रास का मतलब होता है ग्रहण करना, कैच करना. ओके किसी भी डिसीजन में से कोई भी अगर हमने पहले बार देखा है तो उसमें से हम जो मेन थॉट होता है उसको ग्रास बनाने की ग्रहण करना. रिजिलियंस, समस्या से जल्दी उभरना. कोई भी प्रॉब्लम है उसमें से जल्दी से छुटकारा पाना, जल्दी सॉल्यूशन ढूंढ करके उस समस्या से हमें बाहर आना. रिबैलेंस यानी कि पुनः संतुलन. बैलेंस का मतलब होता है संतुलन. तो रिबैलेंस यानी पुनः संतुलन. क्लिक क्लिक का मतलब होता है दबाना अथवा बंद करना. ओके मान लो टीवी ऑन है तो आपको उसको क्लोज करना है तो आप स्विच दबाओगे तो उसको क्या कहा जाएगा, क्लिक. सेकंड वर्ड है आगे, नेक्स्ट वर्ड है लैंग्युडली. लैंग्युडली का मतलब होता है धीरे धीरे अथवा स्लोली. टीज टीज का मतलब होता है भय से अस्वस्थ होना. एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद, जो आशा लगाते हैं. हो अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग. ओके चलो आगे इसका पार्ट नेक्स्ट देख लेते हैं. लास्ट हमारा यहाँ तक हुआ था. डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग इन एनी ऑफ फॉलोइंग वेज. ओके इसके आगे हम देखेंगे कि हमें देखा था स्ट्रेस के बारे में. ओके कि किस प्रकार से स्ट्रेस इफेक्ट करता है हमारे माइंड पे, हमारे इमोशन पे. ओके तो यहाँ पर हमको बताया गया कि कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ कंडीशंस दी गई है और पूछा जा रहा है कि आपने अपने आप को इन कंडीशन पे देखा है तो आपको पता चलेगा कि आप स्ट्रेस आप स्ट्रेस में हो या नहीं हो. ओके तो जो भी मैं अभी कंडीशन आपके सामने रख रही हूँ उसमें आप अपने पास अपने आप ही सोच के रखना हाँ यस और नो में ही देना है आंसर. ओके और अपने पास सोच करके रखना है कितने हाँ है कितने ना है. ओके तो डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. तो क्या है आपने कभी भी जो नीचे जो दिए गए हैं इसमें से अपने आप को ऐसा रिएक्ट किया है कि कंडीशन आपके ऊपर लागू हो रही है, ये जो सिचुएशन है ये आपके ऊपर लागू हो रही है देखा है. तो एक पहला है यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स. तो जो भी चीज़ें हैं उन पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो. मान लो पढ़ने बैठे हो लेकिन उस पर आप पढ़ नहीं पा रहे. मान लो एक या दो क्वेश्चन आंसर्स है आप करने बैठे लेकिन आपको याद ही नहीं हो रहा है, मतलब आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो. कभी ऐसा हुआ है आपने ऐसा फील किया. सेकेंड योर मेमोरी इज लेटिंग यू डाउन फ्रीक्वेंटली. और लगातार आपकी जो मेमोरी है यानी याद शक्ति कैसी होती जा रही है आपको आपकी कमजोर हो जा रही है. पहले को भी चीज आप जल्दी याद कर लेते लेकिन अभी इसमें टाइम लग रहा है. ऐसा ऐसी कंडीशन में कभी आपने अपने आप को देखा है. थर्ड यू हैव लॉस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन योर माइंड. सॉरी यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन योर माइंड बट कैन नॉट ग्रैस्प अ क्लियर थॉट. आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही है लेकिन एक स्पष्ट जो विचार है वो आप निकाल नहीं पा रहे. ओके मान लो कोई भी चीज आपने ऑल ओवर देखा, किसी भी चीज के बारे में पिक्चर का परीक्षण किया आपने लेकिन उसका क्लियर थॉट ये पिक्चर किसके बारे में है वो आप निकाल नहीं पा रहे हो. या फिर कोई भी अगर काम करना है तो उसके बारे में दुनिया भर के विचार आपके माइंड में आ रहे हैं, ऐसे कर सकते ये वैसे कर सकते बट क्लियरली आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा रास्ता चूज करूँ मैं, किस प्रकार से इसे करूँ. ओके तो कभी आपने इस कंडीशन में अपने आपको देखा है. यू आर ऑफन अनडिसाइडेड दिस डेज एंड दिस इज अनटिपिकल फॉर यू. अभी इन दिनों आपको ऐसा लगता है कि आप कोई भी चीज के का सही से निर्णय नहीं ले पा रहे, अनडिसाइडेड कंडीशन में कोई भी चीज का सही निर्णय नहीं ले पा रहे. पहले ले पा रहे लेकिन अभी किसी भी चीज के बारे में आप निर्णय नहीं ले पा रहे कि मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, मेरे लिए राइट कौन सा होगा. यू मेक लॉन्गर टू डू टास्क दैट यू वर एबल टू कंप्लीट क्वाइट क्विकली बिफोर. कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई भी कार्य है पहले आप बहुत फटाफट कर लेते हैं लेकिन अब उसी कार्य को करने में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है. ओके कोई भी चीज अगर मान लो कोई भी कार्य कर रहे हो, मान लो कि आप अपना कोई भी निबंध याद करने बैठो छोटा सा. ओके तो पहले आप निबंध एक घंटा बैठे तो आपको याद हो जाता लेकिन आज
ऐसी कंडीशन है कि तीन तीन चार चार घंटा बैठ रहे हो फिर भी आपको निबंध याद नहीं हो रहा है, दो दो तीन तीन दिन बीत जा रहे हैं आप याद नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि अब कल करूंगा परसों करूंगा, ऐसे करके कर नहीं रहे, मतलब चीज को टाल रहे हो। यू स्टार्ट नॉट समथिंग बट डोंट फिनिश एनीथिंग। अब चीजें बहुत सारी शुरुआत कर रही है, करो वो करो, लेकिन कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ऐसा होता है। अगर ये जो मैंने आपके सामने कंडीशन रखी है और अगर आपका आंसर यस है, हाँ में है, तो इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रेस से ग्रसित हो, ओके, यानी आपके ऊपर स्ट्रेस है, आपके माइंड में स्ट्रेस है, इसका मतलब ये पता चलता है। और अगर नो है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं हो, आप नॉर्मल हो मेरी तरह, ओके। इफ यस देन इट गिव्स अ साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस प्रेजेंट इन यू। अगर आपका आंसर यस आता है तो इसका मतलब ये होता है कि अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में आपके माइंड में स्ट्रेस है, तनाव है। देन इट गिव्स अ साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस प्रेजेंट इन यू। द बेटर यू डील विद स्ट्रेस द लेस योर मेंटल कैपेसिटी विल बी अफेक्टेड। तो आप स्ट्रेस से जितना अच्छी तरीके से डील कर पाओगे, यानी सही तरीके से उसको झेल पाओगे, किसी का सही तरीके से उसका सॉल्यूशन मतलब निकाल पाओगे, उतना ही वो जो तनाव है वो आपके माइंड को कम इफेक्ट करेगा, ओके। स्ट्रेस हुआ थोड़े से होती है, लेकिन अगर उसके जिससे हम सही से डील नहीं कर पाते हैं तो वो स्ट्रेस बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है, डिप्रेशन की स्थिति में भी पहुँच जाता है। द फॉलोइंग एक्सरसाइज विल हेल्प यू बिल्ड इन बेटर स्ट्रेस रिजिलियंस एंड रीबैलेंस योरसेल्फ इफ योर मेंटल कैपेसिटी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू सफर विद स्ट्रेस। तो यहाँ पर नीचे कुछ फॉलोइंग एक्सरसाइज दी गई है जो आपको मदद करेगा कि आपकी जो याद शक्ति है रीबैलेंस, यानी जो चीज़ों को आप भूल जा रहे हो, यहाँ पर लिखा मैंने समस्या से जल्दी उभरना, जो भी आपकी समस्या है भूल जाने की, तो उससे जल्दी उभरने में हेल्प करेगा। रीबैलेंस योर सेल्फ, तो जो आपकी मेंटल कैपेसिटी है, मानसिक जो क्षमता है, उसको पुनः संतुलन में लाएगा, और जो कि पहले से जो आपके ऊपर तनाव जो है जो आपके ऊपर अफेक्ट कर रहा है उसके प्रमाण को कम करेगा। तो पहला क्या है जो फर्स्ट जो स्ट्रेस कंट्रोल के लिए जो टिप है वो ये है, स्टॉप ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना बंद करो। When tasks and pressures start building up, जब मान लो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, दबाव भी बहुत हो, ये भी करना है वो भी करना है सब कुछ करना है, the mind can sometimes go into overthinking and you come to the thoughts। तो माइंड क्या हो जाता है कि सोचने सोचने पड़ जाता है, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं क्या करूँ कैसे करूँ, ये भी करना है वो भी करना है, इतना सारा इतने समय में करना है कैसे होगा, ये भी जरूरी है वो भी जरूरी है, तो माइंड हमारा ओवर थिंकिंग में चला जाता है, बहुत ज्यादा सोचने लगता है, बहुत ज्यादा सोचोगे टाइम तो ऑलरेडी वैसे ही वेस्ट हो रहा है। आई विश देयर वॉज अ स्विच इन माई हेड दैट आई कुड फ्लिक एंड टर्न ऑफ ऑल द थॉट्स गोइंग अराउंड इन माई माइंड। अब आपकी ऐसी इच्छा होती होगी कि शायद मेरे पास ऐसा मेरे माइंड में ऐसी कोई स्विच होती, यहाँ पे ये भी सारी चीजें जो मेरे माइंड में थॉट में चल रही है, तो मैं उस स्विच को दबा दूँ और सारे थॉट बंद हो जाए। लाइक जैसे मान लो टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, कुछ भी अगर आपने ऑन करके रखा है, फैन ऑन है, लाइट ऑफ ऑन है, तो आपने जैसे लाइट ऑफ नहीं सोना होगा, तो आप लाइट ऑफ करोगे स्विच दबाओगे तो लाइट बंद हो गया, ओके। तो उसी प्रकार से आप ऐसा विश करोगे शायद ऐसा कुछ स्विच हो कि मैं उस स्विच को दबाऊँ और जो सारे थॉट्स मेरे माइंड के अंदर चल रहे वो बंद हो जाए। इट इज नॉट दैट इजी, इतना सरल नहीं है। देयर इज अ टेक्निक टू हेल्प योरसेल्फ ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। तो यहाँ पर कुछ टेक्निक दी गई है, कुछ पद्धतियाँ दी गई है जिसके द्वारा आप ओवर थिंकिंग को, अधिक जो सोचते हो उसको रोक सकते हो, ओवर थोड़ा रोकथाम लगा सकते हो। से टू योरसेल्फ रिपीटेडली ड्यूरिंग द डे, तो दिन भर में पूरे दिन भर आपको बार बार ये बोलना है, रिपीटेडली यानी बार बार बोलना है, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, आई विल डील विथ वॉट एवर हैपन व्हेन इट हैपन। तो जब भी जो होगा मैं उससे डील कर लूंगा, यानी उससे मैं अपना झेल लूंगा, मैं अपना कामकाज मेरा जो सही से हो सकता है उस समस्या से बाहर निकलता हूँ। व्हेन यू थिंक अबाउट अ स्ट्रेसफुल डे, जब आपको लगे कि आज का दिन तो बहुत ही बिजी जाने वाला है,
पहले से आपको उसके स्ट्रेस लेने लगते हो. दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ यू. यू थॉट योर थॉट एप्रोक्सीमेटली लाइक दिस. तो पहले से ही आपका जो माइंड है वो तो अपने आप ही उसकी पूर्व धारणा लगाने लग जाता है लगभग. ओ माई गॉड, आई हैव सो मच टू डू. मुझे तो बहुत सारा कार्य करना है. आई मस्ट डू एक्स एंड वाई एंड जेड एंड आफ्टर दैट मुझे तो ये काम भी करना है, वो काम करना है, फलाना ढंगा का ये, और उसके बाद ये भी करना है. ए एंड बी नीड टू गेट सॉर्टेड आउट एज वेल. ये ए काम है, वो बी काम है, ये भी करना है, इसको भी जल्दी जल्दी मुझे कंप्लीट करना है. आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट ऑल. मुझे नहीं पता मैं सारी चीजें कैसे करूँगा. आई वॉन्ट इवन हैव टाइम टू ईट. मुझे तो खाने का भी समय नहीं देगा. ओके, पहले से इतनी सारी हमें पूर्व धारणाएं बना ली. ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, खाने का टाइम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो पूरा दिन मेरा सा दौड़ भाग में निकल जाएगा. पहले से हमें सोच लिया इतना सारी बात. तो क्या होता है बेसिकली, द डे हैजंट इवन स्टार्टेड बट यू आर ऑलरेडी इन द टीज. तो दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले आप किस में आ गए हो, टीज, यानी कि किस अवस्था में आ गए हो, भय से अस्वस्थ. आपकी जो एनर्जी है वो पहले से ही आपने आप ही कर दी. तो क्या होगा इससे, व्हाट इज हैपनिंग इज दैट योर माइंड इज रेसिंग अहेड ऑफ यू एंड एंटीसिपेटिंग हाउ टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड यू विल फील वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द टास्क अहेड. तो पहले से जो आपका माइंड है ना वो आपको तेज दौड़ने लगता है. पहले से दौड़ रहा है ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है. तो पहले से ही एंटीसिपेट यानी पूर्व धारणा करने लगते हैं कि ये सारा काम जब मैं करूँगा या करूँगी दिन भर के अंत में तो कितना मुझे तनाव होगा, कितना मैं थक जाऊँगा, ये होगा, वो सारी चीज़ें पहले से ही हम सोच लेते हैं. ओके, वो काम कंप्लीट करने से पहले दीज फ्रेंडली थॉट. तो ये जो थॉट है, जो ये विचार है दुनिया भर का, आप देखोगे स्टार्ट बिगनिंग योर एनर्जी. तो ये आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको कमजोर करना शुरू कर देता है. एंड एज अ रिजल्ट यू आर एंटरिंग इनटू अ बिजी डे विद ओनली हाफ ऑफ योर नॉर्मल एनर्जी. तो आपकी जो नॉर्मल एनर्जी होती है रेगुलर में, जो जोश होता है उससे वो एनर्जी, वो जो जोश होता है, जो वो आधा हो जाता है, आपकी ऊर्जा आधी हो जाती है पहले से इतनी सारी बातें सोच. Then when you end up shattered at the end of the day, you seem to have proved that you were right all along. और जब दिन के अंत में जो आपने सोच के रखा होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, तो आप अपने आप को सही मानते हो कि हाँ देखो मैंने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ. You had a dreadful day and you feel physically drained. और आपको किसी कैसा होता है दिन आपका कैसा जाता है, बहुत ही ग्रेटफुल जाता है, बहुत ही भयंकर जाता है ये काम, क्योंकि हम एनर्जी ऑलरेडी आधी हो चुकी है ना. कोई भी कार्य को करने के लिए जितना जोश होना चाहिए, जितना गुस्सा होना चाहिए, वो ऑलरेडी कम हो चुका है. तो जोश उत्साह होगा ही नहीं. कोई भी कार्य कैसा लगेगा हमको, बोरिंग सा लगेगा वो काम करने में हमको, बस काम को फिनिश करने के लिए हम करेंगे, उसमें हम कोई भी एंजॉयमेंट नहीं ले पाएंगे कोई भी कार्य को करने के लिए. ओके, तो फिर आप क्या होंगे, फिजिकली पूरी तरह से टूट जाते, मतलब कि थक के चूर हो जाते. देखा जाए तो कोई भी कार्य, अगर जो भी काम है अगर हमको करने में मजा आता है तो उस कार्य को करने से हमको थकान नहीं लगती. ऐसा होता है मैरिज वगैरह होता है तो आप डांस वगैरह करते हो, जो भी कोई फंक्शन होता है ना, गणपति का जो भी चल रहा है तो इस साल तो आपको एंजॉय नहीं कर पा रहे. लास्ट ईयर जब भी पहले गणपति बप्पा लाने जाते थे, लेके आते थे, इतना नाचते थे, कूदते थे, ये वो करके इतनी तैयारी वगैरह, तो कार्य कैसे करते, आप खुशी खुशी काम करते तो उसमें आपको थकावट नहीं लगती. लेकिन जनरली थोड़ा बहुत काम होता है, अगर फिजिकली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो गई, फिजिकली थोड़ा बहुत काम अगर करना पड़ेगा तो हम बहुत बुरी तरह से मतलब थक जाते हैं. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमको उस कार्य को करने में क्या है, पहले से हमें सोचते हैं ये चीज़ होगी वो नहीं है, हम तो उस कार्य को पहले से आपको मनोदशी अवस्था में आ गए, पहले से आपको मतलब उस कार्य को करने में बोरिंग लग रहा है, बस काम फिनिश करने के लिए करते हैं. भी कार्य को आप एंजॉय करके करोगे तो माइंड में स्ट्रेस भी नहीं आएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है थकने की या दुनिया भर की वो आपके सामने नहीं आएगी. ओके, फिलहाल अभी हम आज इतना ही रखते हैं, काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. ओके, होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा. एक
स्टूडेंट्स,